वेटरन जो कोरियोग्राफर है सरोज खान जी, वो हमारे बीच नहीं रही। वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी और आज दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आप उनको किस तरीके से याद करती हैं? आपने उनके साथ वर्कशॉप किया है, बताइए। संजय, मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसी लड़की नहीं होगी जो 1-2-3 गाने की फैन नहीं हुई होगी और जिसने इस गाने पे कभी डांस नहीं किया होगा। 1-2-3 जो जितना माधुरी दीक्षित ने फेमस किया था, मेरे ख्याल से मैं सरोज खान जी को तब से जानने लग गई कि वाव शी इज ग्रेट। पहले उनके बारे में सुनती थी ये था, लेकिन हमारे लिए 1-2-3 जो था वो एक सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर था। तो मैं हमेशा याद करती हूँ वो वाली स्टेप, और इसी वजह से मैंने एक शॉर्ट वर्कशॉप भी किया था उनके साथ। एंड मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके ये वर्कशॉप, ये इनफैक्ट डांसर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है अपने डांस में, क्योंकि तब मैं काफी सारे ऐसे सॉन्ग्स कर रही थी। हल्ला बोल में मैंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस सॉन्ग किया था, जेल में मैंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस सॉन्ग किया था, तो मुझे अपने करियर में कुछ और करना था, कुछ बेटर, तो मैंने उनके साथ एक शॉर्ट वर्कशॉप किया था। एंड मुझे याद है कि उनका हमेशा स्ट्रेस जो है वो एक्सप्रेशंस पे रहता था। एंड आज जब वो हमारे बीच नहीं है, मेरे पास उनकी सब अच्छी यादें हैं। वो हमेशा मास्टर मास्टर होता है। जब वो डांस सिखा रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक डांट भी पड़ती है, और वो डांट ही आशीर्वाद होता है। आपको जब वर्कशॉप आप कर यस रही थी, यस और सरोज जी का तो ऐसा था, हमेशा वो जर्नलिस्टों को भी डांट देती थी उनको जब कुछ लगता था। तो जी जी बड़ी हैं वो, अपना उनका एक जी रुतबा है, तो बड़ा जी प्यार से जी माँ के जी जैसे। जी आपको क्या कुछ सिखाते समय कुछ जी कहा था? ऑफ कोर्स, एक बात, एक स्टेटमेंट जो है मेरे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गई है और मैं आज तक याद करती हूँ। उन्होंने कहा था, सियाली सुंदर चेहरा यूज करो, तुम तुम्हारा चेहरा यूज करो, गेट दोज एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने आपको कहा, उनके जो ये होता था स्ट्रेस होता था हमेशा एक्सप्रेशंस पे होता था, क्योंकि वो कहते थे ऑफ कोर्स योर बॉडी इज डांसिंग, उसमें परफेक्शन लाना जरूरी है, लेकिन आप एक एक्टर नहीं, आप हीरोइन नहीं हो जब तक आपका फेस एनैक्ट नहीं कर रहा है एंड वो एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा है। सो वो बोल उन्होंने मुझे कहा था डेफिनेटली कि आप अपना सुंदर चेहरा यूज करो, और ये जो है मेरे दिमाग में बात फिक्स हो गई है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये उसकी सबसे बड़ी टिप रही है मेरे करियर में। अगर आप आज उनको श्रद्धांजलि देना हो, देखिए हम उनकी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, उनके डांस नंबर्स, उनके गानों को याद कर रहे हैं, आपने वर्कशॉप किया है, अगर कोई डांस का कोई मूवमेंट इस समय आप शेयर कर सकती हैं, आर यू कंफर्टेबल लाइक एनी मूवमेंट आपने उनके साथ सीखा है, तो पता नहीं मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ। नो, एक्चुअली स्पेस कंस्ट्रेंट है, वरना मैं आपको हाँ एक झलक जरूर देती और आपके ऑडियंस के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो फ्यूचर में डेफिनेटली ये करूंगी। लेकिन मैंने उनसे वो जो कमर का रोल है, ये 1-2-3 करने वाला, क्योंकि देयर वो साइमल्टेनियस मोमेंट्स, वो उनसे स्पेशली सीखा था। हालांकि मैं उनके पास फोक रिलेटेड एंड इंडियन रिलेटेड इसके लिए गई थी, क्योंकि तब दौर काफी वेस्टर्न स्टेप्स का था और वेस्टर्न कोरियोग्राफी का था, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली इंडियन इसके लिए, लेकिन ये जो है वो बॉलीवुड स्टेप और ये जो कॉम्बिनेशन 1-2-3 है वो उन्होंने मुझे सिखाया था। एंड आई वुड लव टू शेयर दैट वीडियो विथ यू वेरी सून। आज अभी मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है जहाँ।